हेलो एवरीवन, ये लोग दीजिए 717 चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ टिया और मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स, कौन से दरवाजे यहाँ पर खुलने वाले हैं, कौन से पोर्टल्स यहाँ पर आपके लिए ओपन हो रहे हैं और साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। क्योंकि अभी देखा जाए तो 888 पोर्टल भी आने वाला है, फिर 11 11, फिर 12 12 एंड बीच में 9 9 भी रहेगा। सो यस, काफी सारे पोर्टल्स जो है आपसे हर महीने ओपन हो रहे हैं एंड मैं स्पेशली किसी पोर्टल के बारे में बात नहीं करने वाली, लेकिन आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड एज यूजल यहाँ पर तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिस भी कार्ड से या फिर से एंजल नंबर से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो आप अपने लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट में है यहाँ पर एक्सपेंशन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर एंजल नंबर 111। ओके, ऑप्शन टू में है यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे एंजल नंबर है 333। तो आप आराम से अपने लिए चूज कर लें, इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एक्सपेंशन का कार्ड चूज किया है और साथ में एंजल नंबर 111, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कौन से पोर्टल्स यहाँ पर ओपन होने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, कौन सारी चीजें आगे जाके आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या कुछ गाइडेंस एडवाइस है, जैसे कि मैं सारी रीडिंग्स में देखती हूँ तो यहाँ भी देखेंगे। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है और आप किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन होने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ अर्थ, ठीक है, फाइव ऑफ वॉटर, एट ऑफ फायर, ओके, फाइव ऑफ एयर। सो लाइफ में अभी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, कुछ कुछ हो रहा हो और आप लोग थोड़े से परेशान हो, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो या फिर थोड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हो और आपको ऐसा है कि कैसे भी ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये जो भी कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सॉर्ट होनी चाहिए, इसका यहाँ पर हल निकलना चाहिए। बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग एक तरीके से नजर आ रहे हो और पीस के साथ रहना, हैप्पीनेस के साथ रहना, प्यार के साथ रहना आपको पसंद है, लेकिन अभी फिलहाल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि आपको परेशान कर रही हैं और इनकी वजह से आप अपना फोकस जो है वो अपने गोल्स पर नहीं लगा पा रहे। आपको प्रॉब्लम आ रही है काफी सारी चीजों में, काफी सारे एडजस्टमेंट्स इस वक्त करने पड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज इस वक्त करने पड़ रहे हैं, या चीजें जैसे आपने प्लान करी वैसे नहीं हो रही हैं। तो यस, यहाँ पर कुछ कुछ चल रहा है, थोड़े से हताश भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, थोड़े से परेशान भी हैं यहाँ पर कुछ लोग और सोच रहे हैं ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था, ऐसे तो मैंने अपनी लाइफ को एज्यूम नहीं करा था। तो यस, कुछ है यहाँ पर, लेकिन पता है यहाँ पर मैसेज क्या है कि आप अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर आपको, अगर आप अपना जो माइंड सेट है वो ब्लेसिंग्स की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स काउंट करने को मिलेंगी। आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, कितनी सारी चीजें पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों के लिए कि अगर बात करूं कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज के डोर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं, आपके वर्क में, आपके करियर में,
ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अगर कुछ लोग अपने लिए एक लव लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप लोग किस एनर्जी में हो और अपने लिए अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। अपॉर्चुनिटीज के डोर्स जो हैं आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं। साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में काफी सारी ट्रेवल करें। कुछ लोग के लिए जो ट्रैवल है उनके लिए बिजनेस ट्रैवल हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जो ट्रैवल है वो एक फन वाली थोड़ी सी एंजॉय करना लाइफ को वो वाली ट्रैवल भी रह सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर जो है वो ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग दूसरे अब्रॉड जा रहे हो, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो। तो यस, बहुत सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। अभी बात करो कि दरवाजे यहाँ पर कौन से खोले जा रहे हैं। सी, आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीजें हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड, जिन्होंने आपको उलझाए रखा था, जो आपके अटैचमेंट थे, जो कि जिन चीजों से आपको मोह था, वो चीजें रिलीज हो रही हैं। और यहाँ पर सच सामने आ रहा है आपकी लाइफ का कि ये मेरी लाइफ का सच है और मुझे इस बात पर आगे बढ़ना है, मुझे ये क्राइटेरिया को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, ये चीज जो है वो मेरे लिए सही है, ये पाथ मेरे लिए सही है, ये लोग मेरे लिए सही है। तो यस, यहाँ पर कुछ इल्यूजन थे आपकी लाइफ के, कुछ भ्रम थे, आपको लगता था ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, या कुछ कुछ ऐसी चीजें, राइट? या आपको लगता था ये मैं इसी जॉब के लिए बनी हूँ, यही मेरी अल्टीमेट एम है करियर का। कुछ ऐसे इल्यूजन थे आपकी लाइफ में, उनकी यहाँ पर एंडिंग हो रही है और आपकी लाइफ का जो सच है वो आपके सामने आ रहा है। कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको एडजस्ट करने में, इसको डाइजेस्ट करने में हो सकती है, थोड़ा कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो भी कुछ हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो डोर्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के डोर्स हैं, यहाँ पर जो इल्यूजन है वो उनका एंड हो रहा है और क्लैरिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है। ये चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में आपका जो फोकस है ना, अब आपकी फैमिली के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। मे बी पहले आप लोग ऐसे हैं जो ना मतलब सबको बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे लाइफ में, सबको बहुत अहमियत देते होंगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाओगे कि मुझे किसके लिए वक्त निकालना है, मुझे किसको अपना टाइम एंड एनर्जी देनी है, मुझे किन से बातें करनी है, मुझे किन से अपनी चीज़ों को शेयर करना है। तो यस, आप लोग अपनी फैमिली मतलब अपना सर्कल थोड़ा सा क्लोज कर लोगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। बेकार में ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ना किसी से मतलब थोड़े से क्लोज अपने सर्कल को कर रहे हो, अपने अराउंड बाउंड्रीज थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ चीज़ों की जो आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है, अब वहाँ पर आप फिगर आउट कर रहे हो कि अब मुझे किस एरिया में न्यू बिगनिंग्स चाहिए। तो अपने लिए जैसे कुछ गोल्स सेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2025 आएगा अभी, लेकिन आप गोल सेट कर रहे हो कि इस ईयर अब मुझे यही अचीव करना है। तो यस, यहाँ पर गोल सेटिंग है आप लोगों के लिए और क्लैरिटी है सबसे ज्यादा तो आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर और कुछ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर भाई फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ठीक है ना? फाइनेंसेस आपके यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ पर आपके लॉसेस भी हुए, जहाँ पर आपके का आपने कहीं इन्वेस्ट करा, वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गई, या कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि आपको एक के बाद लगा कि कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, सब खराब हो रहा है, सब ऐसे हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे आपने जो भी कुछ खोया है उससे रिकवरी का टाइम, एक रिकवरी, एक हीलिंग का टाइम आप लोगों के लिए है, एक ग्रोथ का टाइम यहाँ पर आप लोगों के लिए है, एक्सपेंशन का टाइम यहाँ पर आप लोगों के लिए है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर डोनेशंस भी कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आपको पसंद है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ में करियर को लेकर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हो, करियर को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप लोग क्रिस्टल्स को वेयर कर रहे हो, आप लोग करियर रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप लोग चाहो तो उसको भी देख लेना, बिकॉज मुझे जो अभी डोर्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं करियर के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं।
आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे थे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरफ जाना है, तो फाइनली वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। एंड टेन ऑफ वंस की एनर्जी अगेन वही मुझे एंडिंग का मैसेज आप लोगों के लिए दे रही है। ये नो मुझे कितना काम करना है, किसकी हेल्प करनी है, कितना काम नहीं करना, किसकी हेल्प नहीं करनी, तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप अपनी लाइफ में क्लियर होने वाले हो। और कभी कभी क्या होता है ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहां पर हम एफर्ट्स करे जा रहे हैं लेकिन हमें हासिल कुछ भी नहीं हो रहा, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना ज्यादा हम दे रहे हैं। तो वैसे कुछ चीजें यहाँ पर हैं और उनसे आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन सिचुएशन से, उन एनर्जी से, उन लोगों से। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सेल्फ वर्थ। ओके, एग्जैक्टली वही मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी, किन लोगों से बातें करनी है, किन से नहीं करनी है, किनको यू नो कितना टाइम देना है, कितनी एनर्जी देनी है, कैसे मैनेज करना है अपनी ओवरऑल लाइफ को, कैसे बैलेंस करना है आप लोगों को। आप ये चीज़ अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हो, यू नो अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहते हैं ना अपने हाथ में होती है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये चीज़ है यहाँ पर। और यू नो जब ये आप कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर एनहेंस हो रही है, आपकी वाइब्रेशन यहाँ पर यू नो अच्छी हो रही है। तो कुछ लोग इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं करेंगे, कुछ लोग क्या कहेंगे, बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, यू नो जो आपको अपनी तरीके से चलाना चाहते थे, वो लोग इस एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर दूर भी होंगे आपकी लाइफ से। और सी ऑप्शन फर्स्ट मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि यू नो कुछ लोगों की वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट फील हो सकता है, आपको लगे कि यू नो इस पर्सन के ऊपर मैंने ट्रस्ट करा, इसे मैंने इतना अपना समझा और देखो यू नो ये पीठ पीछे मेरी बुराई करता था, या आई डोंट नो, बट यस मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए कि आप लोग को लिटिल बिट कुछ चीजें जो हैं वो हर्ट कर सकती हैं। अगर आपके पास पेट्स हैं, आप पेट्स रखते हो, तो उनका खास तौर पर ख्याल रखिएगा, ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, इंस्टिंक्ट की यहाँ पर एनर्जी है और कहा जा रहा है देखो अपनी वाइफ्स को यू नो आपको किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ यू नो रहकर आपको किस तरीके की वाइफ्स आ रही हैं, वो पर्सन से आपको कैसी वाइब्स फील हो रही हैं, किस तरीके की एनर्जीज फील हो रही हैं, उस बिहाफ पे आप ट्रस्ट करना। कोई भी अगर न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, यू नो मतलब सोच समझ कर किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है और अपने सीक्रेट्स को बताना है, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। यू नो कोई आपसे क्या कह रहा है उस चीज पे बिलीव नहीं करना, आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है आपको इस चीज के ऊपर बिलीव करना है, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। यहाँ पर ऐसा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, और लोग जैसे यू नो मीठी मीठी बातें बनाकर समटाइम्स आपसे बस काम निकलवा लेते हैं या कुछ भी, यू नो मैं इस तरीके की बातें नहीं करना चाहती, स्पेशली जनरल रीडिंग में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से तो मैं दे रही हूँ। तो आपको मैं ऐसे बोलूंगी ऑप्शन फर्स्ट के आपको संभल कर रहना है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग शायद ऑलरेडी डील कर रहे हो उस इस एनर्जी से, इस चीज से, और कुछ लोग थोड़े से परेशान भी हैं इस वजह से। हाँ तो कोई नहीं, इस चीज से बाहर निकलो, जिंदगी है और होता रहता है, चलता रहता है ना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए भाई अपनी लाइफ में, मतलब आप पुरानी चीजों से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। हाँ विजडम, डिटर्मिनेशन, ओके विजडम के डोर्स ओपन हो रहे हैं, डिटर्मिनेशन, ओके मैं एक और कार्ड निकालूंगी, एक्सप्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पर पहला कार्ड है विजडम, नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज के ऊपर काम करना। आप लोग ना बहुत जल्दी शायद दूसरे लोगों के ऊपर रिलाई करने लग जाते थे कि वो मेरा काम कर देगा, वो मेरी हेल्प कर देगा, समहाउ डिपेंडेंट एनर्जीज में चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे आप लोग की एनर्जी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी नजर आ रही है, और यू आर लाइक मुझे अब यू नो अपने ऊपर विश्वास करना है, मुझे अपने ऊपर भरोसा करना है, और अब मैं किसी भी तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी,
अपना काम मैं खुद करूंगी और बेस्ट वे में करूंगी, परफेक्शन लेकर आऊंगी, इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर है। आउल की एनर्जी, अगेन मुझे आउल से माँ लक्ष्मी की एनर्जी फील हुई। सो यस, फाइनेंसेस आप लोगों के काफी अच्छे हो रहे हैं, पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ये चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे डिटर्मिनेशन की एनर्जी है। कुछ हार्ट ब्रेक्स कभी कभी हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन उस वक्त तो हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत सारी एक डिटर्मिनेशन ऐड करता है कि अब मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, अब मुझे कुछ अच्छा करना है, अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो यस, यहाँ पर जो आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आप बहुत पावरफुल होने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपने पोटेंशियल को आप लोग पहचानने वाले हो, ये चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा करना, और एक होता है ना कि खुद की नजरों में खुद की ही वैल्यू बढ़ जाना, ये वो एनर्जी है कि अभी तक आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अपने अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब आपको जैसे आपको खुद से प्यार हो रहा है, ये वो एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, एक्सप्रेशन और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है। खुद को एक्सप्रेस करना अपने काम के थ्रू, अपनी कला के थ्रू, वो चीज यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए है। और मैं बहुत खुश हूँ, काफी सारी पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन उससे पहले कुछ 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 चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, है ना। और यस, जैसे मैंने कहा न्यू बिगनिंग्स चाहते हो, तो न्यू बिगनिंग्स के पहले कुछ चीजों की एंडिंग्स भी होती है, लेकिन आप लोग चाहें तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है, फिलहाल अभी स्टॉक में है, और ये न्यू बिगनिंग का स्टोन है, ये इंट्यूशन का, इंस्टिंक्ट का स्टोन है, ये इमोशनली आपको बैलेंस करता है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप मून स्टोन को अपने लिए वेयर करें, और ये हील करने में भी हेल्प करता है आपकी फेमिनिन एनर्जी को। तो यस, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड है सारे ही क्रिस्टल्स का, इसके बारे में और ज्यादा, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर। और लिंक मैं वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट्स में भी दे दूंगी। सी, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ, आप वेबसाइट से परचेस कर लो, फिर भी लोगों के मैसेजेस आते हैं कहाँ से परचेस करें, कौन सा लिंक है, कैसे लिंक है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा करें, और कॉमेंट सेक्शन भी, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर लास्टली देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। हैप्पीनेस, तो यस, हैप्पीनेस के दरवाजे खुल रहे हैं, खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और जानते हैं ये खुशियां कैसी खुशियां हैं, जहां पर आप किसी के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट हो ही नहीं। यहाँ पर आप खुद को खुश रखना जानते हो, यहाँ पर आप अपनी मदद करना जानते हो, अपने आप को हील करना जानते हो, ये चीजें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। डिनाइल, ओके, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर पहले ऐसे लोग थे जो हमेशा सबको यस 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 करते थे, और इस वजह से आप अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते थे, या दूसरे लोग आपका फायदा उठाते थे, लेकिन अब आप अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो, और ना कहना भी सीख रहे हो कि कहाँ मुझे ना कहना है लोगों को, कहाँ मुझे मना करना है, ये मेरे दायरे हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग काम करोगे। और यस, जैसे मैंने कहा, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, आप इन इन पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाले हो, तो ये चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ओके, सो यस, काफी ज्यादा एकदम ना प्रमोटिंग, एकदम मोटिवेटिंग सी एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और यस, बदल रहा है यहाँ पे काफी कुछ, और आपके अंदर बदल रहा है, बाहर नहीं, अंदर बदल रहा है आपके, ये चीज यहाँ पर है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पर्सनल रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने डेस्टिनी का कार्ड चूज किया है और साथ में एंजल नंबर 333, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन होने वाले हैं, कौन से दरवाजे खुल रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, सो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन टू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू।
एस ऑफ वॉटर, ओके, चैरियट, कुछ बड़ा होने वाला है ऑप्शन जो आप लोग के साथ, मुझे जब मैं शफल भी कर रही थी मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही फील हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी अपना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपके लिए डेस्टिन है भाई, वो लिखा था आपकी किस्मत पे होना, वो लिखा था आपकी किस्मत में आपको मिलना, और कुछ चीज कभी कभी हम कहते हैं ना बाय लक ऐसा हो गया, या मतलब लाइक कुछ बड़ा आप लोगों के साथ ऑप्शन जो मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत जल्द कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। फाइव ऑफ एयर, मैं निकाल लूँ एक बारी सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। दी हैंग्ड मैन, और वो भी रिवर्स में आया है, ठीक है फिर मैं ऐसे ही लूंगी इसको, दी हैंग्ड मैन, सन, नाइन ऑफ फायर एंड एट ऑफ एयर, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो अगर बात करूँ कि कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, सबसे पहले सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ आपको कब तक सफलता मिलेगी, आप चाहो तो वो देख सकते हो, लेकिन यस आपकी लाइफ में सक्सेस के डोर्स ओपन हो रहे हैं बहुत सी चीज में। आप बहुत से एफर्ट्स कर रहे थे कुछ टाइम से, आपको नहीं हो रहा था, आपका काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी आपके कामों में, लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, और आपको आपकी मेहनत का फल मिलते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के डोर्स हैं, यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और आप लोग एक नई मंजिल की तरफ कहीं ना कहीं ऑप्शन टू आगे बढ़ रहे हो, मतलब पुराने तरीके को छोड़कर, पुरानी चीजों को छोड़कर एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हो। हालांकि मैं ऐसे भी नहीं देख रही कि कुछ एंडिंग्स हो रही हैं कुछ चीजों की, लेकिन आप नई शुरुआत का डिसीजन बाय चॉइस ले रहे हो कि अब मुझे मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, इस तरफ आगे बढ़ना है, बिकॉज आपको कुछ ऐसे इंट्यूशन से फील होगा, आपके अंदर से आपको आवाज आएगी कि ये मुझे करना चाहिए, यहाँ मुझे सीखना चाहिए, तो कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, ये चीज आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ। बाकी तो यहाँ पर फाइव ऑफ एयर, एट ऑफ एयर की एनर्जी है, तो थोड़ा सा समहाउ आप लोग फील कर रहे होंगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ लाइफ से जा रहा है, और कुछ लोगों की वजह से आप थोड़ा सा हर्ट भी होंगे, परेशान भी होंगे, कुछ चीट किया आपके साथ किसी ने, आपको धोखा दिया, या कहीं से आपको उम्मीद थी वो आपका काम नहीं बना, या फिर से कुछ लोग यहाँ पर अपने ही बहुत सारे इश्यूज से डील कर रहे हैं, लाइक अपने ही अंदर बहुत सारा कुछ चल रहा है, इमोशनल हो बहुत ज्यादा, कुछ लोग को पैनिक अटैक आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर डर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें थी ऑप्शन टू जिनसे आप फेडअप हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, और अब आपको ये था कि मुझे अपने इस डर को खत्म करना है, मुझे अब इस सिचुएशन से, इस सिनेरियो से बाहर निकलना है, तो एग्जैक्टली वो बाहर निकलने के लिए ही आप लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग भी कर रहे हैं, अपनी हीलिंग के डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और कुछ लोग नहीं, अमूमन ऐसे लोग होंगे यहाँ पर आपका मन ही नहीं शांत रहता होगा, कुछ ना कुछ चले जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ मन में आ रहा है, लेकिन अब अपने माइंड को किस तरीके से आपको बैलेंस करना है, किस तरीके से अपनी एनर्जी को मैनिफेस्टेशन में लगाना है, आप इस चीज के ऊपर काम करने वाले हो, आप बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हो रहे हो ऑप्शन टू, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो अपनी लाइफ में, और किसी भी एफर्ट को करके आपको बेस्ट आउटकम उसमें किस तरीके से मिल सकता है, आप इस चीज के ऊपर मुझे दिख रहा है कि काम कर रहे हो। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है कम्प्लीटली, ऑप्शन फर्स्ट में भी मैंने यही बोला कि आपके लिए नई शुरुआत है, और आपके लिए भी यही है सेम, ऑप्शन टू एक नई शुरुआत है, और यस आगे बढ़ रहे हो ऑप्शन टू आप लोग अपनी लाइफ में, यही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ रहे हो, देखते हैं यहाँ पर और क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना सिस्टमेटिक होना, डिसिप्लिन होना मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, अपने आप से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओगे और स्ट्रिक्टली यहाँ पर चीजों को फॉलो करोगे, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। टेन ऑफ सॉर्ड्स,
मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसे यहाँ पर एंडिंग्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन सी अभी यहाँ पर 10 ऑफ सॉट्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए एंडिंग्स हैं यहाँ पर, नो डाउट कुछ चीज़ों की। 8 ऑफ सॉट्स, 8 ऑफ सॉट्स की एनर्जी बार बार है यहाँ पर। सो ऑप्शन टू, अभी बहुत कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, लेकिन अब आप लोग मूव कर रहे हो एक पीस ऑफ माइंड की तरफ, प्यार की तरफ, लव की तरफ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अपनी दुनिया में मस्त हो आप लोग, अब ऐसा रहने वाला है आपके साथ। अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो और अपने लिए एक हैप्पी प्लेस क्रिएट कर रहे हो आप लोग, अपने सपनों की तरफ काम कर रहे हो। और ऑफ कोर्स कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए बेटर पर्सन, एक अच्छे इंसान को भी ढूंढ रहे हैं, अपने बेटर लाइफ पार्टनर को भी ढूंढ रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर नजर आ रही है। सो मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि यस कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या अभी, लेकिन यस अभी से कुछ समय बाद, लगभग 8 से 10 महीने मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है टाइम पीरियड, 8 से 10 महीने में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ेगा, ये चीज़ मुझे आपके लिए नजर आ रही है। साथ में डेविल की भी यहाँ पर एनर्जी है, और डेविल कार्ड से मुझे एक मैसेज मिलता है, हमेशा इल्यूजन्स का एंड होना। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है कि सच उनके सामने होता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है कि आप समझ जाओगे कि क्या गलत हो रहा है और उसको किस तरीके से करेक्ट करना है। आप बहोगे नहीं उसमें कि गलत हो रहा है, होता रहे, नहीं, आप उसको वहीं खत्म करोगे, आप उसे वहीं स्टॉप करोगे। की एनर्जी है यहाँ पर, सन की भी एनर्जी है, तो ऑफकोर्स सक्सेस है, क्लैरिटी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, अबंडेंस है यहाँ पर आपकी लाइफ में, और मैं क्या कहूँ। ऑप्शन टू, यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। डोमेस्टिसिटी, मुझे यहाँ पर यही चीज आपके लिए बार बार नजर आ रही है, बार बार यही मैसेज मिल रहा है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी केयर करना, अपना हैप्पी प्लेस क्रिएट करना, लोगों से एक्सपेक्टेशन सब आप कम करोगे, और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, कुछ चीजें यहाँ पर ना ऑप्शन फर्स्ट से मिल रही हैं। आप लोग चाहो तो एक बार ये ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज वहां पर भी कुछ सेम मैसेजेस मैंने दिए हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट में भी हों, तो ये यहाँ पर आपके लिए है। क्रिएटिव लक, तो भाई लक आपके साथ है, आपका भाग्य आपके साथ है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें आपके साथ डेस्टिन होने वाली हैं, जो कि आपके लिखा था आपकी किस्मत में होना। पहले क्या था ऑप्शन टू, आप लोग एक मशीन के तरीके से बस काम करे जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक वही सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के साथ काम करना, ठीक है ना, वो चीज आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और साथ में आप लोग कुछ नई चीजें भी सीख रहे हो, कुछ लोग कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हैं, या कोई नया स्किल सीख रहे हो, या फीलिंग की कोई मोडालिटी सीख रहे हो। और कुछ लोग लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अच्छा म्यूजिक सुने, हीलिंग म्यूजिक सुने, डिफरेंट डिफरेंट आप यूट्यूब पर डालोगे हीलिंग मेडिटेशन म्यूजिक, आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के म्यूजिक मिलेंगे। ठीक है, वो म्यूजिक को सुनो, देखो आप किस हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी के साथ ज्यादा रेजोनेट करते हो, और हीलिंग के लिए आप वो सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने लिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। सैड सॉन्ग और मतलब कम सुनना वैसे सॉन्ग, हीलिंग म्यूजिक आपको सुनना है और वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। ठीक है, माँ दुर्गा, बाउंड्रीज, एग्जैक्टली, आपकी लाइफ का जो भी लेसन है ना ये चैप्टर में, आप बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख रहे हो, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी है, तो उसका सामना कैसे करना है और उसको सॉर्ट कैसे करना है, उससे लड़ना कैसे है और उससे आगे कैसे बढ़ना है, और इस सबके बीच में आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो। आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी तो है ऑप्शन टू, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है बार बार ही, है ना, और आप उसी को पहचान के कहीं ना कहीं उसी की एंडिंग कर रहे हो, यानी कि ये एंडिंग हो नहीं रही है खुद से, आप कुछ चीजों की एंडिंग खुद कर रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, वो भी आपके बेस्ट के लिए, आपके अच्छे के लिए।
तो यस, ये मैसेज आप लोग के लिए है यहाँ पर, और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत पावरफुल हो ऑप्शन 2, और अभी यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल ज्यादा रहोगे, प्रैक्टिकली डिसीजंस जो है वो ज्यादा लोगे, ये चीज आपके लिए मुझे नजर आ रही है। इमोशनली आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो अपनी लाइफ में। कंप्लीशन, कुछ चीजें अपने कंप्लीशन पे हैं, अपनी एंडिंग पे हैं, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ आपका शायद वो जो चैप्टर है वो उतना ही था, उतने टाइम तक ही आपका और उनका साथ लिखा था। इस चीज को कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर इसी किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी को खो दिया है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स या कोई पेट आपकी लाइफ में, या कोई दोस्त जो कि अब आपके साथ नहीं है, या कुछ भी चीज है ना, तो यस आप किसी को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हो, लेकिन एट द टाइम ये सेम टाइम आप ये भी समझ रहे हो कि वो उतना ही चैप्टर था, उतने ही टाइम मेरा उनके साथ लिखा था, और अब मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, नए लोग मिलेंगे। तो यस एक नई डायरेक्शन में आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आगे बढ़ रहे हो। ये वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी था और आपके लिए भी, इसलिए रीडिंग मैच करिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी था कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, आप क्या डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, आप कहाँ पर होना डिजर्व करते हो, आप कौन सा थ्रोन अपने लिए डिजर्व करते हो, ठीक है ना। ये चीज को आप कहीं ना कहीं जान रहे हो, और आपकी एंजल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। बहुत प्यार है आपके दिल में, लेकिन शायद आप अभी थोड़ा सा किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप अपने आप से प्यार करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये चीज यहाँ पर अभी ज्यादा है। ऑप्शन 2, बैलेंस। ओके, सो यस, आपकी लाइफ का भाई अभी यहाँ पर कौन से दरवाजे खुल रहे हैं, तो बैलेंस के दरवाजे खुल रहे हैं। चीजों को बैलेंस करना, चीजों को मैनेज करना, ये सबसे ज्यादा आपके लाइफ में रहने वाला है। काम करना है कितना करना है, फैमिली को टाइम देना है कितना देना है, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करना कितना करना है, तो कौन सी चीज कितनी करनी है, राइट। ये चीज आप लोग अपनी लाइफ में डिसाइड कर रहे हो, और इसकी वजह से आप में और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये चीज यहाँ पर आपके लिए है, अपनी शक्ति को पहचान रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, ये भी चीज नजर आ रही है, नई नई चीजों को सीख रहे हो, नए नए कामों को जान रहे हो आप लोग। सो यस, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, अगर काम का ज्यादा प्रेशर आप लोग के ऊपर रहता है, सो आप कान एलियन को वेयर कर सकते हो। सी, मैंने भी वेयर किया अभी, बिकॉज बहुत सारा राखी की सेल वगैरह चल रही थी एंड बहुत काम हो रहा था, बहुत एक्टिव हो रहा था। सो यस, मैं भी अपनी नीड के हिसाब से ही वेयर करती हूँ क्रिस्टल्स को। सो यस, आप लोग भी अगर ऐसे बहुत ज्यादा काम जा रहा है, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर हो रहा है, तो कान एलियन को वेयर कर सकते हो। इसको पहनने के बाद ऐसी एनर्जी हो जाती है कि वो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना, सब हो जाएगा, और आप अपने अपने स्पेस के साथ एक काम करते हो, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम करते हो, पैनिक नहीं होते बहुत ज्यादा, प्रेशर नहीं लेते आप, ये आपको वो एनर्जी देता है। सो यस, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 लास्ट, फ्रीडम, और आप खुद को बहुत सारी चीजों से फ्री कर रहे हो, अटैचमेंट जो भी है रिलीज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में से, ये मुझे नजर आ रहा है। अपनी हैप्पीनेस के लिए आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। और सी, कुछ लोग ऐसे थे जो अपना काम किसी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वो उसको एंड कर रहे हैं, केवल अपने ऊपर डिपेंडेंट होके अब आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, और फ्रीडम, यस फ्रीडम आपको सबसे ज्यादा प्यारी होगी कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूं, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग काम करूं, तो वो चीज यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो फ्रीडम के दरवाजे खुल रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, और ओ माय गॉड, मैंने रीडिंग की शुरुआत करते में ही बोला था कि सक्सेस के डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, एंड सी यहाँ पर वो कार्ड भी आ गया। रीडिंग किस तरीके से कभी कभी रेजोनेट करती हैं, एक साथ मैच होती हैं। सो वही चीज है, यहाँ पर सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, और सक्सेस के मायने भी बदल रहे हैं।
आपके लिए अब सक्सेस केवल ये नहीं है कि घर ले लेना, गाड़ी ले लेना या मटेरियल चीजों से रिलेटेड केवल आपकी सक्सेस नहीं है, आपका दायरा बढ़ रहा है। और अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी इंक्लूड हो रही है, मेंटल हैप्पीनेस भी इंक्लूडेड हो रही है, इमोशनल हेल्थ भी इंक्लूडेड हो रही है, प्यार भी इंक्लूड हो रहा है। सो यस, काफी सारी चीजें आपके अंदर बदल रही हैं। ऑप्शन टू मैं ऐसे कह सकती हूँ कि बहुत समझदारी, बहुत मेच्योरिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रही है। सो यस, ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, और इसको लाइक जरूर करें, इस एनर्जी को क्लेम करें अपने लिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है ना। और यस, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो, मैं कार्निलियन ब्रेसलेट का लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हो। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सीटिंग में, तब तक के लिए बाय।